हमने एक सेशन की सीरीज स्टार्ट की है ताकि हम कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स पे बात कर सकें कि पाकिस्तानी लैंग्वेजेस के लिए कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स पे क्या काम हो सकता है और हमें क्या चीज़ से लर्न करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें फिर बाद में क्रिएट करनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि इसमें कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में कंप्यूटर साइंस के लोग भी मौजूद होते हैं और लिंग्विस्टिक्स के लोग भी मौजूद होते हैं। लिंग्विस्टिक्स के पास थ्योरी मौजूद होती है जिसे इम्प्लीमेंट करना होता है और कंप्यूटर साइंस वाले उन चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये अलग बात है कि इस वक्त कंप्यूटर साइंस में एंड टू एंड सिस्टम्स की बात हो रही है कि आप इनपुट दें आउटपुट दें, लिंग्विस्टिक नॉलेज ना भी हो तो चीज़ें जनरेट कर लेंगे। लेकिन अभी आगे चल के मैं बात करता हूँ, इस वक्त हम लिंग्विस्टिक एनालिसिस पे बात कर रहे हैं कि अगर कंप्यूटर साइंस वाले लिंग्विस्टिक एनालिसिस करना चाहते हैं तो उन्हें क्या नॉलेज होनी चाहिए, और अगर लिंग्विस्ट अपनी थ्योरीज को चलते हुए देखना चाहते हैं कि वो कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट हो जाए तो उन्हें क्या चीज़ें चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को मर्ज करने की कोशिश है। स्टार्ट में अब पाकिस्तानी लैंग्वेजेस, पाकिस्तान में तकरीबन 73 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और इसमें बहुत वैरायटी मौजूद है। लैंग्वेजेस की फैमिलीज होती हैं, इंडो एरियन लैंग्वेजेस भी हमारे पास हैं, इरानियन लैंग्वेजेस भी हैं, ड्रेविडियन लैंग्वेजेस जो नॉर्मली साउथ इंडिया में होती है उसकी एक एग्जाम्पल बरोही है हमारे पास, तिब्बतन लैंग्वेजेस जो चाइना और ईस्ट एशिया में बोली जाती हैं वो भी हमारे पास, उसकी भी एक एग्जाम्पल हमारे पास है बल्ती, और एक आइसोलेटेड लैंग्वेज ब्रुशिस्की है। तो हमारे पास 73 लैंग्वेजेस हैं जिसमें से कुछ इंस्टीट्यूशनल 7 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसपे एकेडमिक्स में या ऑफिसेस में काम होता है। तो सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची, बरावी, सराइकी और उर्दू, तो इन लैंग्वेजेस पे, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसपे हमें काम करना है। ये लैंग्वेजेस का चार्ट है, पाकिस्तान में ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग उर्दू पे बहुत ज़्यादा या मॉडरेट लेवल पे काम हुआ है। पाकिस्तानी लैंग्वेजेस के हिसाब से देखें तो उर्दू पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है और बाकी सब पे उसका 10% या 20% हुआ होगा, लेकिन इंटरनेशनली देखें तो उर्दू पे भी हमारे पास मॉडरेट काम है। तो हमें उर्दू पर और दूसरी पाकिस्तानी लैंग्वेजेस पे काम करना है। अच्छा, जब हम लैंग्वेज एनालाइज करने जाते हैं तो जो मैंने शुरू में कहा कि दो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं जो इस पे, जिसका इस पे इंटरेस्ट है, एक लिंग्विस्ट है, लिंग्विस्ट लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं। लिंग्विस्ट जब लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं तो ट्रेडिशनल एक तरीका 100 साल पहले या 70 साल पहले ये था कि ट्रेडिशनल ग्रामर्स लिखी होती थी जो आप लोगों ने अपने मैट्रिक की बुक्स में या इंटर की बुक्स में पढ़ी होंगी कि नाउन इज अ नेम और पर्सन प्लेस एंड थिंग, और उसकी चार एग्जाम्पल्स दे दी, उसकी तीन टाइप्स बता दी एंड सो ऑन, बात खत्म हो गई। मॉडर्न दौर में चॉम्स्की ने 1950s में ये इंट्रोड्यूस करवाया कि लैंग्वेज को फॉर्मली किस तरह से डिफाइन किया जा सके, उसे उस तरह से लिखा जा सके जिस तरह से मैथ्स के फार्मूले लिखे जाते हैं। तो फिर उस वक्त फॉर्मल ग्रामर की बात हुई कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की सेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के को यूज करते हुए डिफरेंट फ्रेमवर्क्स बने। तो हमारे पास फॉर्मल ग्रामर लिंग्विस्ट सीखते हैं, तो लिंग्विस्ट के पास एक ऑप्शन होता है फॉर्मल ग्रामर का। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि उन्हें लैंग्वेज को समझना होता है कंप्यूटर साइंस वालों को, तो एक ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बल्कि दो ब्रांचेज हैं, एक का नाम है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स और एक का नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस ये दोनों सैनोनिम ही माने जाते हैं। यानी आप यूनिवर्सिटीज में जाके कोर्स उनके सिलेबस देखें तो जो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स का सिलेबस होगा ऑलमोस्ट वही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का सिलेबस होगा। फर्क, थोड़ा सा फर्क जो इसमें है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स ज्यादा फोकस करती है मॉडलिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस पर कि उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे। इसको आप अगर डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की फॉर्म में समझना चाहते हैं तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स मोस्टली फोकस करती है उन स्ट्रक्चर्स पर। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मोस्टली फोकस करती है आपके एल्गोरिथम्स पर कि आपके पास जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उन पे एल्गोरिथम्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन कंप्यूटर साइंस वालों को पता है कि आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बगैर और एल्गोरिथम एनालिसिस डेटा स्ट्रक्चर समझे बगैर नहीं पढ़ सकते, तो प्रैक्टिकली ये तकरीबन एक जैसा ही चीज है। मैंने इम्फेसिस कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक्स पे इस सेशन के लिए इसलिए किया है कि इसमें हम लिंग्विस्टिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इस वक्त एक ऐसी फील्ड बन गई है जिसमें वो कह रहे हैं कि लिंग्विस्टिक्स जाने बगैर भी आप काम कर सकते हैं। आप इनपुट बता दें कि इनपुट ऐसा होगा, ये इंग्लिश का सेंटेंसेस है, ये उर्दू के सेंटेंसेस है, कंप्यूटर मशीन ट्रांसलेटर खुद लर्न कर लेगा, आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि मॉर्फोलॉजी ये होती है, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग ये होती है, सेंटेक्स एनालिसिस ये होता है। तो हम इसमें वो फोकस नहीं कर रहे। बाद में नेक्स्ट सेशन में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर हम चाहें तो ऑफलाइन और क्या क्या काम कर सकते हैं एंड टू एंड सिस्टम्स के लिए, या किसी और थ्रेड में हम किस तरह से ये काम कर सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक लिंग्विस्टिक एनालिसिस पर, और 10-15 साल पहले ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, आज कुछ कम हो गई है, लेकिन अब भी इसकी इंपॉर्टेंस है और मैं डिस्कशन के दौरान यही बात करूँगा कि इसकी अब भी क्या इंपॉर्टेंस है। और दूसरा नॉन लिंग्विस्टिक मेथड्स, यानी जिसमें हम लिंग्विस्टिक एनालिसिस इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वन बाय वन हम इस पर आ जाते हैं। लिंग्विस्टिक एनालिसिस में पुराने सिस्टम में 5-7-8 साल पहले इसको हम चीज़ों को कंपेयर करते थे, या तो आप डीप एनालिसिस कर रहे हैं या आप शैलो एनालिसिस कर रहे हैं। जब आप डीप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो लिंग्विस्टिक्स के जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं उनको वन बाय वन फॉलो कर रहे होते हैं, टोकनाइज करते हैं वर्ड्स को, सेंटेंस को तोड़ते हैं टोकन्स में, वर्ड्स में, वर्ड्स की पार्ट ऑफ स्पीच पता करते हैं ये वो क्या है, मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि अगर बुक्स लिखा हुआ है तो वो प्लूरल है बुक का, सेंटेक्स देखते हैं कि ये एक सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, सेमेंटिक्स के उनकी मीनिंग क्या बन रहा है इस सेंटेंस का, एंड डिस्कोर्स। अभी आगे सेकेंड पार्ट में इनके हर फेज की डिस्कशन होगी। तो ये डीप एनालिसिस है, हम ट्रांसलेशन करने भी जा रहे होते थे तो फिर टोकनाइजेशन से लेके एटलीस्ट सेमेंटिक्स या सिंटेक्स तक जाते थे, सोर्स लैंग्वेज का यानी इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर बनाना है तो इंग्लिश का टोकनाइज किया, उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताया, उसकी मॉर्फोलॉजी देखी उन वर्ड्स की, फिर सेंटेक्स एनालिसिस का ट्री बनाया, और फिर रिवर्स में कि इंग्लिश के ट्री से उर्दू का ट्री बनाया, उससे फिर उर्दू के पार्ट ऑफ स्पीच और टोकन जनरेट किया एंड सो ऑन। तो ये डीप एनालिसिस होता था और अब भी बहुत सारी एप्लीकेशन में होता है। इसको कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए डीप लर्निंग जो मशीन लर्निंग का पार्ट है। इस वाले इन सेशंस में हमारा फोकस इन टॉपिक्स पर होगा कि हम इन चीज़ों को पार्ट ऑफ स्पीच टैगर किस तरह बना सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर किस तरह से बना सकते हैं, सेमेंटिक्स को किस तरह से डील कर सकते हैं एंड सो ऑन। अच्छा, लिंग्विस्टिक फीचर्स आर यूज्ड एज फीचर्स इन मैनी, ये जो चीज़ हमें पता चल गई कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एक बात तो ये कि हम इसको हम दूसरे वाले जो मशीन लर्निंग सिस्टम है उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी नॉन लिंग्विस्टिक सिस्टम में, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। और एंड सो ऑन, मैनी करंट एंड ओल्ड सिस्टम यूजेस लिंग्विस्टिक एनालिसिस। अच्छा, अब आ जाते हैं नॉन लिंग्विस्टिक मेथड्स पे। नॉन लिंग्विस्टिक मेथड लिंग्विस्ट्स के इंटरेस्ट के नहीं है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप ये जाने बगैर के पार्ट ऑफ स्पीच क्या था वर्ड का, या उसका वो सब्जेक्ट था या ऑब्जेक्ट था या उसकी सेंस क्या थी, हम काम कर सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आपका गूगल सर्च इंजन है जो जस्ट वर्ड्स को जानता है और उनकी बेस पर आपको सही सर्च रिजल्ट दे देता है। इसको बैग ऑफ वर्ड अप्रोच कहते हैं कि हम सेंटेंस में किसी स्ट्रक्चर की बात नहीं करते, टेक्स्ट में किसी स्ट्रक्चर की बात नहीं करते, उसमें जो वर्ड्स बने हुए हैं उस वर्ड्स हैं उसकी लिस्ट बना देते हैं, उन लिस्ट की बेस पर डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं। और इसके बाद मॉडर्न दौर में सीक्वेंस मॉडलिंग आ गई है कि आप सीक्वेंस इनपुट दें, जैसे एक सेंटेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, और वो उसको ट्रांसलेट कर दे सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन अनदर लैंग्वेजेस, तो सीक्वेंस टू सीक्वेंस ट्रांसफर हो सकता है। इन दोनों चीजों पर हम उस वक्त डील करेंगे जब हमारे हमें पार्ट ऑफ स्पीच में किसी सीक्वेंस मॉडलिंग की जरूरत पड़ेगी, या हमें पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग में क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, जब हम इस पर आएंगे, एज पर से हम इनको डिटेल में डील नहीं करेंगे। अच्छा, जनरली स्पीकिंग मशीन लर्निंग क्या होती है, आपको एक ट्रेनिंग सेट बना के देना होता है। अगर आप एक पार्ट अगर बना रहे हैं तो आपको ये बताना होता है कि मेरे पास एक सेंटेंस है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड एडजेक्टिव है, मशीन नाउन है, लर्निंग नाउन है, इज अ गुड मेथड इज वर्ब है,
डिटरमाइनर है या आर्टिकल है, मेथड नाउन है. तो इस तरह से मिलियंस ऑफ वर्ड्स या टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स को टैग करके हम कंप्यूटर को इनपुट दे देते हैं. ये जो टैग्ड कॉर्पस होता है इसे ट्रेनिंग सेट कहते हैं या एनोटेटेड ट्रेनिंग सेट कहते हैं. फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स उससे क्लासिफायर लर्न कर देते हैं. अब हम उसे अगर कोई नया सेंटेंस दें, फॉर एग्जाम्पल अ सैम्पल फीचर सेट इन SVM टूल ये दें, तो वो उसे जो मशीन लर्निंग ने पार्ट ऑफ स्पीच टैग लर्न कर लिया है वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि ए एक आर्टिकल है, सैम्पल एक नाउन है, फीचर एक नाउन है, एंड सो ऑन, इन एक प्रीपोजिशन है, ये सारी चीजें बता देगा. तो हमें सिर्फ ट्रेनिंग सेट बना के देना होता है कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये पर्सन है, ये प्लेस है, या ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम चीजें ऑटोमेटिकली लर्न कर लेते हैं. और अब जब हम उन्हें नया सेंटेंस देंगे तो हमारी हमने जो चीज लर्न करवाई होगी उस हिसाब से वो प्रिडिक्शन कर देगा कि आई रीड अ बुक में आई सब्जेक्ट है और बुक ऑब्जेक्ट है, आई प्रोनाउन है और बुक नाउन है. ये सारी चीजें मशीन ऑटोमेटिकली लर्न कर देती है अगर आप उसे ट्रेनिंग सेट दें तो. और लेकिन ट्रेनिंग सेट देने के लिए आपको फीचर्स खुद से इंटेलिजेंटली चूज करने होंगे. और कंप्यूटर साइंस में आगे जाके हम इसमें डिस्कस करेंगे कौन से फीचर्स अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पार्ट ऑफ स्पीच आपको उस वर्ड की चाहे देनी है, पिछले वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उससे पिछले वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, क्या आपको प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस देने हैं कि इस वर्ड के आखिरी दो करेक्टर क्या है, इस वर्ड के आखिरी एक करेक्टर क्या है, एंड सो ऑन. तो ये हम डील करेंगे. अच्छा, अब आ जाते हैं कि हमारा फोकस इसमें इस सेशंस में मेरा आइडिया ये है, और सेकंड सेशन इसीलिए डिस्कशन के लिए रखा है कि अगर आपकी कोई सजेशंस हो तो फिर हम उसको भी ऐड कर लें. इसमें हमने फोकस किया करना चाह रहे हैं लर्निंग एंड क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन. सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये काम आजकल मशीन लर्निंग में और खासतौर पर डीप लर्निंग पे आकर लोग बहुत ज्यादा लैंग्वेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस पे काम हो रहा है. लोग पार्ट ऑफ स्पीच टैगर्स बना रहे हैं, नेम आइडेंटिटी रिकॉग्नाइजर बना रहे हैं, पार्सर्स जो जिसे आप सेंटेंस दें उसमें से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे ग्रामेटिकल रिलेशंस लाके दे देगा वो बना रहे हैं. तो ये चीज़ें बन बहुत तेजी से रही हैं. प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर साइंस से जो लोग आते हैं उनको लिंग्विस्टिक्स की इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उस कंप्यूटर साइंस वालों को लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशंस के को ज़्यादा जानना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल, यानी एक वर्ड को मॉर्फोलॉजी लिखनी है तो मॉर्फोलॉजी को रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे. एक सेंटेंस को अगर आपको उसका डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर बनाना है तो अच्छा डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर क्या होता है. तो लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशंस और लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशंस लिंग्विस्ट के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिंग्विस्ट जानते हैं लेकिन वो ऐसी नॉलेज होती है जिसके लिए कंप्यूटर अभी इतना कैपेबल नहीं हुआ है कि वो उसे लर्न कर सके. कंप्यूटर उन चीज़ों को इतनी आसानी से लर्न नहीं कर सकता. तो बहुत सारे हायर लिटरेचर को कंप्यूटर नहीं समझ सकता, बहुत सारी डिसएम्बिगुएशंस को नहीं कर सकता, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट ऐसे हैं जो इसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता. तो लिंग्विस्ट बास दफ़ा इतने डीप चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि आज कंप्यूटर उसके लिए कैपेबल नहीं हुआ. तो लिंग्विस्ट को ये देखना है कि ये कैपेबिलिटी है कंप्यूटर की, हम इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करें, और कुछ चीज़ें हैं जो अभी बियॉन्ड कंप्यूटर है तो उस पर हम सोचें भी ना, या उसे सिर्फ PhD टॉपिक के तौर पे बस उस पर सोचना शुरू करें लेकिन उसे ये नहीं करें कि दो महीने में हो जाएगा. आप दूसरे कुरान से पढ़ लो, कोई अर्ज नहीं है. लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशंस वाली बात हो गई. दूसरी चीज, लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशंस के स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं. प्रेजेंटेशन के दूसरे हिस्से में मैं बताऊंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग का क्या है और सिंटैक्स एनालिसिस का क्या है, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तानी लैंग्वेजेस के लिए नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो स्टार्ट काम होता है वो इंग्लिश के लिए होता है, फिर वो कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस के लिए जाता है, लेकिन पाकिस्तानी लैंग्वेजेस के बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जिन्हें आसानी से इनकोड नहीं किया जा सकता अभी हमारी जो लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन मौजूद है. तो ये हमारा गोल है कि लिंग्विस्ट और कंप्यूटर साइंस वाले दोनों मिलकर उन चीज़ों को इनकोड किस तरह से करेंगे वो डिसाइड कर लें. तो एक टास्क ये है कि लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन को हम लर्न करें कि स्टैंडर्ड्स दुनिया में चल क्या रहे हैं और उसको हम अपनी लैंग्वेज के लिए किस तरह से बेहतर बना सकते हैं. दूसरी बात ये कि एनोटेटर्स को ट्रेन करवाया जाए कि हमने लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशंस बना दी
उसके बाद एनोटेटर्स उन्हें यूज कर सकें। इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के आने की वजह से बहुत सारे लोग इस पे काम करना चाह रहे हैं, बहुत सारे डेटा सेट बन रहे हैं। डेटा सेट का मतलब ट्रेनिंग सेट, के आपने 1 मिलियन वर्ड्स लिए और हर वर्ड्स पे 1 मिलियन वर्ड्स का टेक्स्ट लिया और उसमें हर वर्ड के सामने उसका पार्ट ऑफ स्पीच टैग लिख दिया कि ये नाउन है, ये वर्ब है, एडजेक्टिव है। लेकिन ये जो बनकर आ रहे हैं इनकी क्वालिटी अक्सर अच्छी नहीं होती है, और ये सिर्फ उर्दू के लिए या पाकिस्तानी लैंग्वेजेस के लिए नहीं है, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में मसला होता है, हिंदी के डेटा सेट्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम होती है। तो एनोटेटर्स को लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन पे ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सही डेटा ट्रेन करें, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में एक चीज कही जाती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर उसे ट्रेनिंग डेटा ही अच्छा नहीं मिलेगा तो जितना अच्छा एल्गोरिथम होगा, जितना अच्छा सिस्टम होगा, वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो ये एनोटेटर्स को ट्रेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस वक्त के डेटा सेट्स मौजूद नहीं है, बल्कि इस वक्त जो डेटा सेट्स मौजूद हैं उन्हें रिवाइज करने की जरूरत है कि इसमें हम ये देखें कि ये डेटा सेट है लेकिन इसमें ये मसले हैं, इन मसलों को जाके कोई फिक्स कर दे। अच्छा, लिंग्विस्टिक एनालिसिस का हमारा जो इस सीरीज का तीसरा गोल होना चाहिए वो ये है कि पहले दो गोल्स कंप्यूटर साइंस और लिंग्विस्ट दोनों के लिए थे, लिंग्विस्टिक्स वालों के लिए वो ज्यादा फोकस थे। तीसरा चौथा जो है वो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ज्यादा फोकस्ड है, लेकिन लिंग्विस्ट को भी ये चीज आनी चाहिए। क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक एनालाइजर बाय यूजिंग स्मॉल ट्रेनिंग डेटा सेट्स। लिंग्विस्टिक एनालाइजर अक्सर केसेस में ये सुपरवाइज लर्निंग होती है, आपको एक क्लासीफायर बनाना होता है, फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने होते हैं और क्लासीफायर बनाना होता है, जो मशीन लर्निंग जानते हैं उनके लिए दो लफ्जों में, वरना फिर इसको डिटेल में डिस्कशन हो जाएगी। लेकिन इशू ये होता है कि फीचर्स कौन से अच्छे बनेंगे, और दूसरा ये कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग बहुत बड़े डेटा सेट्स पे डील करती है, हमारी लैंग्वेजेस के लिए उतने बड़े डेटा सेट्स नहीं है, खासतौर पे एनोटेटेड डेटा सेट जिसमें आप ये भी बता दें कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। एक तरीका तो बहुत आसान होता है, आप नेट पे जाएं और डेटा डाउनलोड करना शुरू कर दें, आपके पास 1 GB 2 GB का उर्दू का सिंधी का डाटा बड़े आराम से जमा हो सकता है। लेकिन उसको हाथ से 1 मिलियन वर्ड्स को हाथ से टैग करना कि ये नाउन है, वर्ब है, वो बहुत बड़ा काम होता है, तो हमारे डेटा सेट्स उतने बड़े नहीं बनते। तो छोटे डेटा सेट्स पर किस तरह से मशीन लर्निंग की जा सकती है, जबकि मशीन लर्निंग कहती है कि वो बड़े डेटा सेट्स पे करती है, तो उसके डिफरेंट तरीके हैं कि कुछ अनसुपरवाइज लर्निंग हो, कुछ टेक्निक्स है वर्ड एम्बेडिंग की, कुछ ट्रांसफर लर्निंग। तो हमें ये फोकस करना है कि हमारे डेटा सेट जो छोटे हैं उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से बेहतर की जाए इन टूल्स को यूज करते हुए, खासतौर पर ये कंप्यूटर साइंस के हवाले से। और फिर कौन से लाइब्रेरीज और टूल्स अवेलेबल हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के लिए, इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेजेस के लिए भी, फॉरन लैंग्वेजेस के लिए भी, और उर्दू और दूसरी पाकिस्तानी लैंग्वेजेस के लिए भी। और एक बात और नेक्स्ट सेशन में मैं डिस्कस करूंगा कि प्रोग्रामिंग लिंग्विस्ट बड़े आराम से कर सकते हैं, छोटी मोटी प्रोग्रामिंग। तो अगला सेशन कल के लिए जो मेरा प्रपोजल है कि लिंग्विस्ट अगर प्रोग्रामिंग सीखना चाहें तो वो बड़े आराम से कुछ ट्यूटोरियल्स लेके सीख सकते हैं। नॉन कंप्यूटर साइंस वालों के लिए मैं कुछ चीज़ें शेयर कर लूंगा कि ये चीज़ें अवेलेबल है, तो यहाँ से आप लोग आइडिया ले लें, क्योंकि जो मैंने प्रोफाइल देखा है कंप्यूटर साइंस वालों का प्रोफाइल है तो उन्हें बेसिक चीज़ें तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब हम एक थ्योरी बयान कर दें, रिप्रेजेंटेशन है, अब इसे इम्प्लीमेंट किस तरह करने जाएं, तो उसमें फिर हम डिस्कशन करेंगे कि ये चीज़ यूज़ करना चाहें या ये चीज़ यूज़ कर लें। अच्छा, फोकस जो इसका नहीं है, टेक्स्ट माइनिंग हम इसमें डील नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक पूरी अलग सीरीज, अगर मैं अभी सोच रहा हूँ कि 8 सेशंस हम इसके करें, 8 दिन हम इस पे दें, तो 8 या 10 दिन टेक्स्ट माइनिंग्स पर होंगे। फिर टेक्स्ट माइनिंग के टॉप पर कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स, वो भी 5-6 सेशंस उस पर हो सकते हैं, क्योंकि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में आपको कुछ टेक्स्ट माइनिंग आनी चाहिए प्लस कॉर्पस की थ्योरी आनी चाहिए कि किसी टेक्स्ट को किस तरह से एनालाइज करते हैं, उसमें सेमेंटिक्स किस तरह से देखते हैं, उसमें और कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है तो वो कौन कौन सिर्फ चीज़ें हैं जो आप कॉर्पस में से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये खुद 8 और 6 सेशंस अलग अलग हैं, एक हमने शुरू किया है, उसके बाद हो सकता है और लोग इंस्पायर हों या हम इसी इसके ख़त्म करने के बाद इस कोई और चीज़ शुरू करें। NLP एल्गोरिथम इन डेप्थ में नहीं देखेंगे, जितना यूज़ करना होगा उस वक्त डिस्कशन कर लेंगे कि हम सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज़ कर रहे हैं, कैसे होती है, क्या होती है, उसकी डिटेल हम नहीं जाएंगे।
मशीन लर्निंग में भी और इसी तरह से एनएलपी एल्गोरिथम्स में भी हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम उन्हें यूज कर लेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, कोई क्वेश्चन इसमें? हेलो, सो वी डोंट हैव एनी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? सर मैं आयशा बोल रही हूँ। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा जो है वो अभी तक एक्सप्लेन किया एंड इट इज मेकिंग सम कॉन्सेप्ट्स क्लियर। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम आपने अभी ये कुछ डेटा सेट्स और लिंग्विस्टिक एनालिसिस के बारे में बताया, अगर हम उर्दू के सिंटैक्टिक अल्टरनेशंस का एनालिसिस करना चाहें तो ये टेक्निक्स उधर भी अप्लाई हो सकती हैं उसी उस पर? सिंटैक्टिक एनालिसिस इसमें बिल्कुल आखिर में लेक्सिकल रिसोर्सेज की बात आएगी, उसमें मैंने प्रॉप बैंक का तो जिक्र किया है, उसी में 10-15 मिनट वो वर्बनेट और का जिक्र हो जाएगा। इसके बाद फिर यही है कि जो मैंने उस मेल वगैरह में लिखा है कि बाद में हम स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप बना सकते हैं कि कोई ये कह दे कि उर्दू वेबनेट पे काम करना है, जो लोग 2-3 लोग इंटरेस्टेड हैं वो ट्यूसडे को 3 बजे एक आपस में मीटिंग रख लें एंड सो ऑन, फिर हम चलते जाएंगे। ये हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या कंप्यूटेशन किसी तरह से मदद दे सकती है इसमें या नहीं दे सकती, यानी आपको वो कुछ चीजें ऑटोमेटिकली बता सकती है, जिस तरह से अभी स्केच इंजन है वो आपको वर्ब के फ्रेम्स खुद बना के लाके दे देता है। तो इस तरह की चीजें हम डिस्कस वहां पे कर लेंगे कि क्या कोई टूल हेल्प कर देता है या हमें कुछ टूल को बनाना होगा। तो इसका जिक्र आएगा जो आपने कहा, लेकिन मुश्किल से 10 मिनट के लिए जिक्र आएगा और उसके बाद हम उसके लिए एक स्पेशल अलहदा ये कर सकते हैं कि ट्यूसडे वेडनेसडे को रख लें, जब हम सेमेंटिक्स पढ़ रहे होंगे तो उसके बाद, यानी तकरीबन 4-5 डेज के बाद, उसके बाद वाले ट्यूसडे वेडनेसडे को किसी एक दिन 2 घंटे हम उस डिस्कशन पे रख लें, जिसको इंटरेस्ट है वो आ जाए। जी श्योर, थैंक यू सर। मैं सिर्फ यही चाह रही थी कि हमें मेथोडोलॉजीज पता चल जाए कि अगर हम कुछ सिंटैक्टिक ऑल्टरनेशंस करना चाहें या सिमेंटिक एनालिसिस वगैरह करना चाहें तो एक ओवरऑल मेथड पता चल जाए और फिर लेटर ऑन एज यू सेड कि हम आपस में ग्रुपिंग करके तो उनको डिटेल दें। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैं आसिम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद में। सर ये पूछना था कि जो आपने एनोटेटर से बात की है, इसमें हमें टैगर्स के साथ साथ पार्सर्स के बारे में बताया जाएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल हम ग्रामेटिकल या सिंटैक्टिक एनालिसिस करना चाहते हैं तो क्या हमें ये बताया जाएगा कि हम किस तरह, मतलब जो कौन से पार्सर टूल्स हम यूज कर सकते हैं? ये बिल्कुल, ये डिस्कस हम करेंगे कि पार्सिंग वाले पार्ट में कि कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे इन दुनिया की तकरीबन 50 से ज्यादा लैंग्वेजेस के पार्सर्स डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, इसीलिए फोकस होगा कि हम डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर समझें कि डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स। इस वक्त कंप्यूटर साइंस वाले ये कह रहे हैं कि डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स को मॉडल करना ज्यादा आसान होता है, उसमें हम देखेंगे। और फिर हम इंग्लिश के लिए तो आपको फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर भी मिल जाएगी और बड़ी लैंग्वेजेस जिनके ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वरना डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स उर्दू समेत 50 लैंग्वेजेस के पार्सर्स अवेलेबल हैं। कल बल्कि जो मैं सेशन लूंगा उसमें एक आध इसको रन करके भी दिखा दूंगा, इंग्लिश का कैसे रन होता है, उर्दू का कैसे रन होता है। फिर यही है, हम उसको बेहतर किस तरह से कर सकते हैं ये देखेंगे, लेकिन अवेलेबल हैं और हम ये डिस्कस करेंगे पार्सल। सर हम लोग जैसे स्केच इंजन वगैरह या वर्ड्स में जैसे जो प्रोग्राम्स हैं, क्या ये भी हमें इसके बारे में बताया जाएगा, फॉर एग्जांपल हम किस तरह रन कर सकते हैं? अच्छा, स्केच इंजन का जिक्र लेक्सिकल रिसोर्सेज में जरा सा हो जाएगा, वर्ड स्मिथ ज्यादातर स्केच इंजन और वर्ड स्मिथ वो टेक्स्ट माइनिंग और कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में आता है, इसमें अभी फिलहाल हम फोकस नहीं कर रहे। अभी जो अगली जो मैं 8-10 स्लाइडें बताऊंगा, इस दफा मेरा आइडिया है कि इसको फोकस करें, इसके बाद फीडबैक ले लेते हैं, वरना उसको भी फोकस किया जा सकता है, लेकिन
अभी ये चलते जाएंगे तो ये देखेंगे कि वो उसमें ज्यादातर चीजें ये होती हैं कि आप एक टूल इस्तेमाल करना सीखें और चले जाएं। तो फौरन अभी जो इमीडिएट प्लान है इन सैटरडे संडेज को 3 से 5 वाले, उसमें वर्ड स्मिथ का फोकस नहीं है। अभी 1-2 हफ्ते गुजर जाए उसके बाद हम फिर डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में, कि एक अलग कोई और अलग टाइम रखते हैं उसमें, कोई और कुछ और लोग मिलके वो डिस्कशन करना शुरू कर दें, एक इसी तरह का थ्रेड कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स का चल जाए कि जो लोग उस पर काम करना चाहते हैं वो कर दें। क्योंकि ये एक अलग, हम मेरे ख्याल में अगर कोर्स के हिसाब से देखें तो ये जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये एक कोर्स है, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स वो पूरा एक और कोर्स है, और जो NLP और मशीन लर्निंग के जो मैंने कहा डेप्थ में नहीं जा रहे वो एक और कोर्स है। तो ये 3 different threads 3 different courses चल सकते हैं पैरेलल। तो देखते हैं, हम ख्याल लोग जमा हों तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो हो गई है कि हम ख्याल लोग जमा हो के अपने सेशंस रख सकते हैं फारे वक्त में सैटरडे संडे को, बल्कि अब तो जुलाई तक तो आम दिन भी फारिग हैं, किसी भी दिन रमजान के बाद 5 से 6 टाइम हो गया या 6 से 8 हो गए, ये काम बड़े आराम से हो सकता है। तो इसमें अभी सर उसमें अभी मैं फोकस कर रहा हूँ कि ये चीजें एक कोर्स है या एक बाकी दूसरे थ्रेड्स को फिर हम किसी और सेशंस में डिस्कशन में हम ये देख लें कि इतने 5 लोग हैं जो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स पे काम करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से जो मैंने शेयर किया है एक हम उसका प्लान बना लें और वो किसी और दिन स्टार्ट कर दें, वेडनेसडे को स्टार्ट कर दें फॉर एग्जांपल। थैंक यू सर। सही, तो अभी हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्यों में इसलिए भी जरूरी है कि ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको लिंग्विस्टिक्स भी आनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस भी आनी चाहिए और लैंग्वेज भी आनी चाहिए। ये तीनों चीजें मौजूद होंगी तो ये चीज सिस्टम अच्छे बनेंगे। इस वक्त बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे सिस्टम्स बने हुए रखे हुए हैं, लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं, लेकिन जिन लोगों को ये दोनों चीजें आती हैं उनको वो लैंग्वेज नहीं आती, जिन लोगों को लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं, वो इन दोनों में से कमजोर हैं। तो हम इन तीनों चीजों को एक साथ फोकस कर लें लिंग्विस्टिक एनालिसिस पे, और फिर जो आप लोगों ने जो सवाल किया इसके बाद 1-2 वीक्स तक देखते हैं कि ये तजुर्बा है कैसा, फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये जो बाकी सारी चीजें कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स का एक अलहदा सेशन हो जाए और NLP और मशीन लर्निंग एडवांस पे एक NLP इन मॉडर्न वर्ल्ड पे एक अलहदा सेशन की सीरीज शुरू हो जाए, उस को हम डील कर लें। और दूसरी चीज NLP पे खासतौर पर मैंने इसलिए भी फोकस नहीं किया कि इस पे बहुत कुछ अवेलेबल है, कॉर्पस लिंग्विस्टिक पाकिस्तानी लैंग्वेजेस के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी NLP पे तो स्टैनफर्ड के ऑक्सफर्ड के कोर्सेस उनके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं बहुत आराम से, कोर्सेरा पे कोर्स मौजूद हैं, एक से ज्यादा कोर्सेज मौजूद हैं, तो वो तो कोई मसला ही नहीं। कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स पे 3-4 लोगों के साथ मिलकर ये काम किया जा सकता है कि हम बैठ के कभी एक प्लान बनाएं कि इसके ये 8 सेशन होने चाहिए और कौन किस चीज का एक्सपर्ट है और वो उस पर प्रेजेंटेशन दे सकता है। ये चीज मुझे ऐसा लगता था कि कुछ चीजें ये इसमें जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सारे मेरे समझ में आते हैं और ऐसी चीज है जिसपे हम सबको मिलकर फोकस करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वाला पोर्शन सबसे पहले ये स्टार्ट किया है। सॉरी एक सेकेंड, मेरे चार्जर बैटरी खत्म हो गई थी, मैं चार्जर लगा लू। अच्छा जी, तो आधा काम ये हुआ है, अभी आधी प्रेजेंटेशन बाकी है और चलें। क्या चीजें इनमें से पार्ट ऑफ जो मैंने शुरू में बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच टैग जब हम लिंग्विस्टिक एनालिसिस करते हैं तो ये 5-6 steps हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, इनकी थोड़ी सी प्रीव्यू अभी आज डिस्कस कर रहे हैं और इन पे हर एक वीक एक टॉपिक पर हम रखना चाहेंगे कि हम इन 6 चीजों को डिस्कस करेंगे।
अच्छा जी, तो पहली बार पार्ट ऑफ स्पीच टैक्स नॉर्मली तो लोगों को पता होता है, लेकिन जब इसे कंप्यूटेशन पे लेकर आए तो कुछ कंप्यूटेशंस में प्रॉब्लम आई, जो हम जो इसका सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आई। फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव बहुत जनरल कैटेगरी थी या वर्ब बहुत जनरल कैटेगरी थी, वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब अलग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मॉडल्स अलग होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये वाले इश्यूज थे। तो पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स सेट फॉर कंप्यूटेशन मुख्तलिफ बने। इस वक्त का जो बेस्ट जो लोग यूज कर रहे हैं वो यूनिवर्सल टैग सेट है, वो ये है कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, एडपोजिशन, ऑक्सिलरी, ये टैग्स लोग यूज करते हैं। और इस वक्त एक स्कीम है जो से यूनिवर्सल डिपेंडेंसी कहते हैं, और दुनिया की 50 से ज्यादा लैंग्वेजेस की ग्रामर उस पे के पार्सर्स उस पे बन चुके हैं, उसके डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर बन चुके हैं। तो 50 से ज्यादा लैंग्वेजेस अपनी पार्ट ऑफ स्पीच को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं कंप्यूटेशन में। तो ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच का यूनिवर्सल टेक्स्ट सेट मौजूद है। तो अगर सिंधी के लिए, पंजाबी के लिए, बलोची या पश्तो के लिए हमें बनाना है तो बेहतर यह है कि हम इस टेक्स्ट सेट को समझें और इसे यूज करें। एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, नाउन यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, कॉमन नाउन यूज करने की हमें जरूरत नहीं है, एंड सो ऑन। तो ये क्यों रखा गया है, क्यों नहीं रखा गया, इस सेशन में हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर जो प्रोग्रामर्स के लिए टास्क है, लिंग्विस्ट के लिए टास्क है कि वो इसे समझें और इसके हिसाब से अपने सिंधी का डाटा है तो सिंधी को एनोटेट कर दें, पश्तो का डाटा है तो पश्तो को एनोटेट कर दें। कंप्यूटर साइंस वालों का काम यह है, कि जब वो उन्हें एनोटेटेड डाटा मिल जाएगा तो वो इंग्लिश या अरबी की तरह 1 मिलियन वर्ड्स का नहीं होगा। मुश्किल से किसी ने 10,000 वर्ड्स एनोटेट कर दिए होंगे या किसी ने 50,000 कर दिए होंगे, बहुत ज्यादा हो सकता है किसी ने 5,000 ही किए हों। तो हम कौन से एल्गोरिथम्स ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि स्मॉल डाटा सेट के साथ भी अच्छी मशीन लर्निंग हो जाए। लोगों ने इस पे काम किया है कि वर्ड एम्बेडिंग यूज कर लें, ट्रांसफर लर्निंग यूज कर लें, मॉडर्न दौर में जो बर्ड वगैरह ट्रांसफर लर्निंग यूज कर लेते हैं, तो उनको यूज करते हुए छोटे से डाटा सेट पे 10,000 वर्ड के डाटा सेट पे भी वैसे ही रिजल्ट आने लगे जो 1 मिलियन वर्ड्स के डाटा सेट्स पे आते हैं। तो ये टास्क कंप्यूटर साइंस वालों का है। तो हम पहले समझेंगे कि ये होते क्या है पार्ट ऑफ स्पीच टैक्स सेट यूनिवर्सल वाला लिंग्विस्ट के लिए, और फिर कंप्यूटर साइंस वालों के साथ बैठ के ये कि हम किस तरीके से छोटे डाटा सेट से भी अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं जो अभी मौजूदा उर्दू के पार्ट ऑफ स्पीच टैगर्स वगैरह नहीं दे रहे। इवन जो स्टैनफोर्ड टैगर या यूनिवर्सल टैगर जो प्राग यूनिवर्सिटी वालों, चार्ल्स यूनिवर्सिटी प्राग वालों का बना हुआ है, वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को दिया था, उन्होंने काम किया था और बाज़ रिजल्ट्स बहुत अजीब से आ रहे थे। तो उन्हें हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। फिर मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी पे बहुत काम होता है, यानी लिंग्विस्टिक्स में मॉर्फोलॉजी पे पूरा एक सेमेस्टर का कोर्स हो सकता है। तो उसमें से कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी है, फिर मॉर्फोलॉजी में कंप्यूटेशन पे जब आ रहे हैं तो उसे फीचर के तौर पे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो अभी आपके पास स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है उसमें आपको एक सेंटेंस इंग्लिश का दिया हुआ है और उसका पे डिफरेंट लिंग्विस्टिक डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस हुई है। पहले तो हमने लेमा बता दिया, जैसे लड़कियों का रूट वर्ड या लेमा जो है लड़की है, किताबें का रूट वर्ड किताब है, थीम का रूट वर्ड है, तो ये लेमेटाइजेशन हो गई। ये भी टूल्स बनते हैं, किस तरह बनते हैं ये एक पूरी सेशन है। और अच्छा, फिर उसकी पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करनी है, हाथ से टैग करें या ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स को ये सेंटेंस दे दिया और उसने टैग करके बता दिया कि ज़हीन एडजेक्टिव है, लड़कियों नाउन है और थी एक ऑक्सिलरी वर्ब है और पढ़ी एक वर्ब है। फिर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हमने डिफाइन किया हुआ है कि लड़कियों जो है वो जेंडर फेमिनिन है, नंबर प्लूरल है और फॉर्म ऑब्लीग है। लड़कियां जब होगा तो उसकी फॉर्म नॉमिनेटिव होगी। तो हम वर्ड्स को किस तरह से, जो लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन की बात है कि नाउन आएगा उर्दू का तो उसके कितने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होंगे, हम उसमें जेंडर देखेंगे, नंबर देखेंगे, फॉर्म देखेंगे। सिंधी का कोई नाउन है या पश्तो का कोई नाउन है तो क्या उसमें कोई और फीचर ऐड होंगे या नहीं होंगे। कश्मीरी जबान का नाउन है या बल्ती जबान का नाउन है तो उसमें क्या कोई और फीचर्स चाहिए या यही 3 फीचर्स उसके लिए काफी होंगे। तो हमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे देखना है।
और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में भी ये कि इस वक्त दुनिया में मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स रिप्रेजेंट करने के कौन कौन सी स्कीम्स मौजूद हैं और उसमें से हमें किसको यूज़ करना चाहिए, ये बहस होगी। और मेरा सजेशन ये है कि नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीक हम मॉर्फोलॉजी डिस्कस करें, उस पर बात करता हूँ। क्यों? फिर मॉर्फोलॉजी नॉर्मली जो मॉर्फोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो इंग्लिश की मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर रही होती हैं। इंग्लिश की मॉर्फोलॉजी बहुत आसान है, इंग्लिश एक हिसाब से ऐसी लैंग्वेज है जिसे दुनिया भर फॉलो करती है लर्निंग के लिए, लेकिन इंग्लिश एक आसान लैंग्वेज है ग्रामर एनालिसिस के हिसाब से। उसके मुकाबले में अगर हम जर्मन देखें, अरबी देखें, चाइनीज देखें, उर्दू देखें, तो वो इसके मुकाबले में मुश्किल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश के लिए जो टूल्स बने हुए हैं अक्सर वो दूसरी लैंग्वेजेस पे स्केल अप नहीं हो पाते क्योंकि वो उन चीज़ों को डील नहीं कर रहे होते जो दूसरी लैंग्वेजेस में है। तो पाकिस्तानी लैंग्वेजेस रिच मॉर्फोलॉजी होती है और बहुत, जैसे इंग्लिश में वर्ब्स की फॉर्म्स हैं चार होती हैं, राइट, रोट, रिटन और राइटिंग। उर्दू में लिखता, लिखा, लिखते, लिखती, लिखें वगैरह मिला के ये 25-30 हो जाती हैं। सिंधी में जाके ये 50 से ज़्यादा हो जाती हैं। अगर टर्किश में जाएं तो ये शायद 250-300 हो जाती हैं सिर्फ वर्ब की फॉर्म्स। तो इंग्लिश के लिए जो चीज़ बड़ी सीधी सी होती है वो उर्दू, सिंधी या टर्किश के लिए उतनी सीधी नहीं होती। तो हमें ये रिच मॉर्फोलॉजी को डील करना है कि इसे किस तरह से डील करें, और इसके हिसाब से बड़े बहुत सारे ये जो फीचर्स हैं, ये इशूज़ हैं, वन बाय वन हमें डिस्कस करना है कि मॉर्फोलॉजी का, उर्दू का मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर बनाना है या उर्दू वर्ड्स की मॉर्फोलॉजी लिखनी है तो रीडुप्लीकेशन को किस तरह से डील करेंगे, पॉजिटिव्स को किस तरह से डील करेंगे। इस पर अभी अच्छा काम नहीं हुआ है जो हमें करना है। थ्योरेटिकल काम हुआ हुआ है, लेकिन कंप्यूटर को चाहिए बिल्कुल एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट में, एक मैथमेटिक्स के फार्मूले की तरह लिखी हुई। तो जिस तरह से ये ऊपर ये लिखा हुआ है, तो हमारे पास एक वर्ड आ रहा है उसके सारे, एक पॉजिटिव आ रहा है जो रीडुप्लीकेट भी हुआ है, तो उसके फीचर्स क्या होंगे ये हमें डिस्क्राइब करना होगा कि हम किस तरह से डिस्क्राइब करें। तो ये एक काम है जो लिंग्विस्ट्स को भी करना है, और दूसरा लिंग्विस्ट के साथ साथ ये दूसरी चीज लिंग्विस्ट को भी करना है, और फिर कंप्यूटर्स वालों को, ये कंप्यूटर साइंस वालों को करना है कि इसे इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जा सकता है। फिर डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी देखनी है, क्योंकि अगर उर्दू पे या सिंधी पे या और दूसरी लैंग्वेजेस पे कुछ काम हुआ है तो वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी पे तो हुआ है, डेरिवेशनल पे नहीं हुआ। तो डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी देखना है। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में अगर हम प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बात आएंगे कि इसे इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, ये हर एक को आना चाहिए, लिंग्विस्ट को भी, नॉन लिंग्विस्ट को भी। फिर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अगर हमने डिफाइन कर दिए हैं जिस तरह से ये इसमें लास्ट रॉ में डिफाइन किए हुए हैं, तो हम एक वर्ड दें और उसके वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हमें बता दें, ये सॉफ्टवेयर किस तरह से बन सकता है मशीन लर्निंग के थ्रू, तो ये एक काम है जो कंप्यूटर साइंस वालों के फोकस का है। फिर अनसुपरवाइज लर्निंग और मॉर्फोलॉजी बहुत हो गई कि मुझे चाइनीज मिल गया, डाटा मिल गया, मुझे बल्टी का डाटा मिल गया, मुझे पश्तो का डाटा मिल गया जो मैं नहीं जानता वो लैंग्वेज, तो क्या मैं उसकी मॉर्फोलॉजी ऑटोमेटिकली लर्न कर सकता हूँ? ये काम अनसुपरवाइज लर्निंग का है और इस वक्त बहुत ज़्यादा इस पर काम हो रहा है कि क्या ऑटोमेटिक लर्निंग हो सकती है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी के बाद फिर हम सेंटेक्स एनालिसिस, अगला स्टेप। सेंटेक्स एनालिसिस में हम पूरे सेंटेंस को देखते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग और मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में हम वर्ड को एज अ यूनिट ले रहे होते थे। सेंटेंस एनालिसिस में हम सेंटेंस को एनालाइज करते हैं और उसका एनालिसिस को या तो फ्रेज स्ट्रक्चर या ट्री स्ट्रक्चर जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, जॉन एट द केक, इसमें जॉन नाउन फ्रेज है, द केक नाउन फ्रेज है, एट द केक वर्ब फ्रेज है, ये बात हो गई, या डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर जो लिंग्विस्टिक्स में कम इस्तेमाल होता था, इवन कंप्यूटर साइंस की टेक्स्ट बुक्स में अभी भी कम इस्तेमाल होता है, लेकिन पिछले 5-8 साल में डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स पे कंप्यूटेशन में काम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये ज़्यादा लॉजिकल है और आगे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन या दूसरी चीज़ें करने चाहें तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमने ये पास्ट ही बना लिया। इवन इसमें ये चीज़ मिसिंग है कि जॉन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, जॉन ने स्ट्रक्चर बनाया है, ये चीज़ मिसिंग है कि केक जो है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है,
केक और दा में क्या रिलेशन है हमें नहीं पता, केक अगर ऑब्जेक्ट है तो वो किस चीज का ऑब्जेक्ट है, ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर में ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वो ये कहता है कि इसका रूट 8 है, 8 का सब्जेक्ट जॉन है, 8 का ऑब्जेक्ट केक है और केक का डिटरमाइनर दा है। तो हम वर्ड्स के दरमियान में डिपेंडेंसी या रिलेशंस बता देते हैं, तो इसको समझना ज्यादा आसान है। स्ट्रक्चर्स समझना फ्रेज स्ट्रक्चर से होता है, लेकिन वर्ड्स के दरमियान में ओरिजिनल रिलेशंस क्या है वो समझना डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स में ज्यादा आसान है। इसलिए डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स को कंप्यूटेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और आगे जाके फिर ये होता है कि इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन करनी हो कि किसने क्या चीज खाई, तो हम सिर्फ ईट का सब्जेक्ट यूज करेंगे। ईट का सब्जेक्ट जॉन है तो जॉन ने खाया होगा, और ईट का ऑब्जेक्ट केक है तो केक वो चीज है जो खाई गई होगी। तो ये चीज आगे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन सिस्टम कंप्यूटर साइंस वालों को बनाना आसान हो जाता है अगर डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स मौजूद हो, वरना फ्रेज स्ट्रक्चर के ऊपर एक और लेयर लगानी होती है जो ग्रामेटिकल फंक्शंस आपको निकाल के दे। तो इसके लिए यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज मौजूद हैं, और जैसे अभी मजहर ने ज्वाइन कर लिया है, उर्दू पे अवेलेबल है, सिंधी पे मजहर बनाना चाहते हैं और दूसरी पाकिस्तानी लैंग्वेजेस पे भी बननी चाहिए कि उर्दू की यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज के आपके पास 10,000 5,000 या 10,000 सेंटेंसेस का कॉर्पस मौजूद है, का डेटा सेट मौजूद है। आप हर सेंटेंस को इसी तरह से उर्दू के, सिंधी के, पंजाबी के उसी तरह से रिप्रेजेंट करें जिस तरह से ये जॉन एट द केक को रिप्रेजेंट किया है। तो यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज जानने के लिए हमें सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है कि यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज होती क्या है, ये रिलेशंस हैं क्या। जैसे हम जो एग्जाम्पल सेंटेंस लेके चल रहे थे, जहीन लड़कियों ने अच्छी किताबें पढ़ी थी, इसमें पढ़ी जो है वो रूट वर्ड है, उसका सब्जेक्ट लड़कियों है, पढ़ी का ऑब्जेक्ट किताबें हैं, लड़कियों जो सब्जेक्ट था उसका एडजेक्टिव मॉडिफायर जहीन है, और उसका इसी तरह से किताबें का एडजेक्टिव मॉडिफायर अच्छी है एंड सो ऑन। तो हम वर्ड्स के दरमियान में क्या रिलेशंस लगाएंगे, ये लर्निंग के लिए हमें ये पूरी थ्योरी समझनी है कि यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज की थ्योरी है क्या। जब हम वो थ्योरी समझ जाएंगे तो उसके बाद एनोटेशन स्टार्ट होगी, और एनोटेशन स्टार्ट करने के बाद मैं थोड़े से एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, उसके बाद हम इस तरह के ये जो नोटपैड में इस तरह के हम चीजें बता देंगे कि हम बता देंगे जहीन एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव मॉडिफायर है वर्ड नंबर 2 का यानी लड़कियां का, लड़कियां नाउन है और ये सब्जेक्ट है वर्ड नंबर 6 यानी पढ़े का एंड सो ऑन। तो ये हमें फिर एनोटेशन करनी होती है, लेकिन उसके लिए पहले हमें थ्योरी पढ़नी है। तो हमें जो टू डू वर्क है वो क्या है, पहले तो हम यूनिवर्सल डिपेंडेंसी को समझें, यूनिवर्सल डिपेंडेंसी में हमें क्या करना है, पहले समझें कि इसकी थ्योरी है क्या। फिर यह है कि उर्दू की एनोटेशन स्कीम मैंने देखी है, और कुछ स्टूडेंट्स को मैंने माजू में कुछ टास्क भी दिया था, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन सिस्टम था जो ये उर्दू के डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर जो ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ रहे होते थे उनको यूज करता था, तो पता चला कि उसमें बहुत ज्यादा एरर्स हैं। जब हमने इसे चला के देखा तो हमें एहसास हुआ इसमें बहुत ज्यादा एरर्स हैं, तो उर्दू को भी, बल्कि बाद में मैंने हिंदी डेटा को जाके देखा तो हिंदी को भी दोबारा से एनोटेट करने की जरूरत है। तो एनोटेशन स्कीम को यानी लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन को रिविजिट करने की जरूरत है कि ये शायद एनोटेटर्स ने बहुत अच्छी तरह से एनोटेट नहीं किया, इस वजह से सिस्टम्स उर्दू का जो डिपेंडेंसी पार्सर है और बल्कि हिंदी का भी जो डिपेंडेंसी पार्सर है वो बहुत अच्छे नहीं बने। और मसला ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो भी चीज़ें बनती हैं वो इन लैंग्वेजेस को सामने रख के बनती हैं, तो सिंधी पे या पंजाबी पे या बलोची पे जो भी काम करेगा वो उर्दू को सामने रख के काम करेगा, मराठी पर या गुजराती पे जो भी काम करेगा वो हिंदी को सामने रख के काम करेगा। तो अब इनमें प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम वही एनालिसिस प्रॉब्लम दूसरी लैंग्वेजेस पे भी जाएंगी, तो हमें ये चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। फिर क्रिएटिंग यूनिवर्सल डिपेंडेंसी बैंक्स फॉर पाकिस्तानी लैंग्वेजेस, ये बनेंगे तो आगे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन सिस्टम बन सकते हैं। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन सिस्टम क्या है कि एक न्यूज़पेपर से उसने चीज़ें पढ़ी और उसके बाद पढ़ के उसने इंफॉर्मेशन रख दी, जिस तरह से आप एलेक्सा से या सीरी से या गूगल ओके गूगल से बात करते हैं कि एक सवाल पूछा उसने जवाब ला के दिया, तो उसकी वजह यह है कि उसने इंग्लिश विकिपीडिया को पूरा पार्स किया, उसको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है
और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके मैसेज है। तो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की उसने इंग्लिश विकिपीडिया पढ़ा है, उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है, तो उसका बेसिक स्टेप होता है कि आपके पास डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स मौजूद, पार्सिंग मौजूद हो, उसके ऊपर सिस्टम होने को। माइक देख रहे हैं जिसको म्यूट, किसके माइक में से आवाज आ रही है इस वक्त, आप म्यूट कर लें बेहतर है। या सवाल करना हो तो फिर उसे म्यूट कर दें। अच्छा जी, ये वाली बात भी काइंडली आप म्यूट कर दीजिए इनके माइक को, क्योंकि वो थोड़ा सा नॉइज हो रहा है। हाँ, म्यूट ऑल कर दूं मैं। ऑल पार्टिसिपेंट्स कर दीजिए म्यूट। किसी को आइडिया है कि कहाँ होता है म्यूट ऑल? मुझे उसमें तो सामने ही होता था म्यूट ऑल ऑप्शन। सर आप मोड पे जाएं, आपके सामने ऑप्शन होंगे ना, जब पर एनोटेट करते हैं मोड पे जाएं, मोड पे जाके आप म्यूट ऑल कर सकते हैं। मोर पे जाके मुझे नहीं दिख रहा ये, तो ऊपर जहाँ पर एक बार आती है, अगर ऊपर कर्सर लेके जाए तो एक बार आपके सामने अपीयर होती है, इसमें एनोटेशन है, एनोटेड वगैरह, उस पर आप राइट नहीं। उसमें ये पॉज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन, हाइड वीडियो पैनल, यहीं पे मेरे हिसाब से तो यहीं पे होता था, लेकिन इसमें क्यों नहीं हो रहा? एक मेरे ख्याल में आप लोग अपनी, सब लोग अपना एक अपने अपने माइक म्यूट कर लें। मीटिंग पार्टिसिपेंट्स को जाकर देखूं म्यूट ऑल। अच्छा ये मिल गया, सही है, एक और जगह पे मिल गया। ओके ठीक है, तो अब म्यूट ऑल हो गए हैं, अनम्यूट मैं आप में कर दूंगा, और अगर कोई मसला हो तो जिन लोगों के पास, या तो आप चैट पे मैसेज भेज दें वरना मुझे कॉल कर दें, अगर बीच में मैं बोलता जा रहा हूं और डिस्कनेक्ट हो गया हो या कोई और प्रॉब्लम हो गई हो तो। अच्छा जी, तो यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज एक को समझना, फिर उसके लिए ट्री बैंक्स बनाना, तो हमारा काम तो सिर्फ समझना ही होगा, लेकिन इस पे ये पूरे प्रोजेक्ट्स, पीएचडी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं कि आप सिंधी के लिए, पंजाबी के लिए, बलोची के लिए और या किसी और लैंग्वेज के लिए यूनिवर्सल डिपेंडेंसी ट्री बैंक्स बनाएं। फिर ये बनाने के लिए आपको एनोटेशन करनी पड़ेगी, मैंने एक लाइन स्किप की थी ना, वो एनोटेशन करने के डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, उनमें से एक आध टूल हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर पे आप ये वाली तस्वीर नहीं बना सकते कि ये एरोस किस तरह से होंगे। ये एरोस बनाने के लिए आपको कंप्यूटर को नोटपैड में चीजें लिख के देनी पड़ती हैं, तो ये नोटपैड में आप किस तरह से लिखेंगे, एक कॉर्नेल फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी, और जाहिर है इस तरह से टाइप करना मुश्किल है, तो क्या कोई टूल ऐसे अवेलेबल हैं जो इस ये स्ट्रक्चर्स बनाने आसान बना दें? तो एनोटेट, डेटा को एनोटेट आसान करने के लिए जो टूल्स हैं, कोशिश करनी है कि उसे भी डिस्कस कर दें। अच्छा, उसके बाद दो चीजें हैं, जल्दी से हम इसे डील कर लें। सेमेंटिक रोल्स, अभी जो मैंने कहा कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है आई ईट अ केक में, आई जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है और केक पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑलवेज एजेंट और पेशेंट पे मैप नहीं कर रहे होते, तो हमें सेमेंटिक रोल्स भी डिटेक्ट करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में ग्लास जो है सब्जेक्ट पेशेंट है जिस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन एक सेंटेंस में ग्लास ब्रोक में ये सब्जेक्ट आया है,
दूसरे सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है और आई जो है वो सब्जेक्ट है, और तीसरे में ये सब्जेक्ट है और आई जो जो एजेंट है वो है प्रीपोजिशनल फ्रेज में गया है, तो लाजमी नहीं कि जो ग्रामेटिकल फंक्शन हो और एजेंट में वन टू वन मैपिंग हो। 90% ऑफ टाइम ऐसा होता है कि एजेंट जो है वो सब्जेक्ट जो है वो एजेंट होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो पेशेंट होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो एक लेयर ऑफ एनालिसिस अलग होती है जिसमें हमें सेमेंटिक रूल्स निकालने होते हैं कि सेमेंटिक रूल क्या है, वर्ब ब्रेक था उसका एजेंट ये है और उसका पेशेंट ये है, और विथ हैमर है तो इंस्ट्रूमेंट ये चीज हो गई। तो सेमेंटिक रोल्स की कंप्यूटेशन के लिए भी कुछ लेक्सिकल रिसोर्सेस मौजूद हैं, जैसे उर्दू प्रॉप बैंक, इंग्लिश प्रॉप बैंक है जो सेमेंटिक रोल के लिए, और उसके बेस पे हिंदी और उर्दू प्रॉप बैंक्स भी बन चुके हैं, ऑल लैंग्वेजेस के लिए बन सकते हैं। और फिर हमारे पास ये प्रॉप, जिस तरह से हम पार्ट ऑफ यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज में प्रेडिक्ट ये कर रहे होते हैं कि ये चीज़ सब्जेक्ट है, ये चीज़ ऑब्जेक्ट है, या पार्ट ऑफ स्पीच टैगर में हम ये प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं ये नाउन है या वर्ब है, इसी तरह से हम ये सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं कि वो इस सेंटेंस में देख के बता सके कि ग्लास पेशेंट है या एजेंट है, आई एजेंट है या पेशेंट है या इंस्ट्रूमेंट है। तो उसके लिए एक तरीका उर्दू प्रॉप बैंक होता है। उर्दू प्रॉप बैंक इसलिए अच्छा है कि हिंदी के लिए मौजूद था, फिर उर्दू के लिए बना जिसमें उस टीम में मैं शामिल था। अब हम अगर पंजाबी के लिए या सराइकी के लिए बनाना चाहते हैं तो उर्दू को ही सामने रख के हम बड़े आसानी से इन लैंग्वेजेस के लिए बना सकते हैं। और लेक्सिकल रिसोर्सेज, सेमेंटिक लेक्सिकल रिसोर्सेज, जैसे उर्दू वर्डनेट है, सिंधी वर्डनेट, पंजाबी वर्डनेट्स की जरूरत है। इसी तरह से अभी जो बात हो रही थी वर्ब नेट वर्ब्स के लिए बन सकते हैं, फ्रेम नेट होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लेक्सिकल रिसोर्सेज हैं जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं। तो हमें इनका ओवरव्यू देखना है कि ओवरव्यू क्या है, फिर ये स्टूडेंट्स के एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या थीसिस हो सकता है कि एक स्टूडेंट थीसिस पे काम कर रहा हो कि वो पंजाबी वर्डनेट पे काम कर रहा है या वो पंजाबी वर्डनेट पे काम कर रहा है, एंड सो ऑन। फिर ये है कि लिंग्विस्टिकली पुराने जमाने का मतलब 5-10 साल पहले, कंप्यूटर साइंस में पुराने जमाने का मकसद होता है 5-2 साल पहले या 5-10 साल पहले हम हर चीज हाथ से बनाते थे। तो वर्डनेट हमें हाथ से बनाना होता है, सिनोनिम हमें हाथ से लिखने होते हैं कि लैपटॉप और कंप्यूटर एक दूसरे के सिनोनिम है, टेबल और डेस्क एक दूसरे के सिनोनिम है। मॉडर्न दौर में पिछले 5-10 साल में कंप्यूटर साइंस में ये हुआ है कि हम सिनोनिम वाली के सिमिलर वर्ड्स को हम खुद से रिकग्नाइज कर दें, और इस टेक्निक को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशनल सेमेंटिक्स। तो उसका आइडिया यह है कि वर्ड के कॉन्टेक्स्ट की बेस पर हमारे पास कॉर्पस मौजूद है 1 मिलियन वर्ड्स का, क्योंकि डाउनलोड करना बहुत आसान है। आप वेब पे जाएं और पश्तो के सारे वेब पेजेस डाउनलोड कर लें, और उसके बाद आप उस पर उनको एनोटेट करना हो कि कौन सा नाउन है कौन सा वर्ब है। तो ये तो प्रॉब्लम होगी कि एक किसी शख्स को बैठ कर एक एक वर्ड को एनोटेट करना होगा, लेकिन अगर कोई नॉलेज ऐसी है कि बस वो उसे आप बहुत सारा पश्तो का डाटा, डाउनलोडेड डाटा दे दिया उसने और वहां से वो खुद लर्न करना शुरू कर दे, तो वो बहुत आसान काम है। आपने कोई डाउनलोडर लगाया, डाउनलोड कर दी और सिस्टम ने उस पर लर्न कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशनल सेमेंटिक्स में आपको एनोटेट नहीं करना होता, बस आप टेक्स्ट दें और वो चीज़ें लर्न कर लेता है। इसके एग्जाम्पल वर्ड एम्बेडिंग्स हैं, टॉपिक मॉडल्स हैं। वर्ड एम्बेडिंग्स पे जो उर्दू के कॉर्पस पे लर्निंग की है, आप ये देख सकते हैं कि उसे सिर्फ उर्दू का कॉर्पस दिया, और इसके नोटबुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं आज एक चीज़ शेयर कर दूंगा जो कंप्यूटर साइंस जो जानते हैं, 50% ऐसे लोग हैं जो नोटबुक देख के खुद ही समझ सकते हैं कि ये काम कितना आसान है करना। तो आपके पास सूरज को पूछा तो उसने सूरज के सिनोनिम बता, सूरज से रिलेटेड वर्ड बता दिए कि चांद, सूरज, आफ्ताब, मेहताब, ये इसके रिलेटेड वर्ड्स। फिर ये जो उसने लर्न किया उसे अगर हम विजुलाइज कर लें तो आप ये देखें कि उसने वर्ड्स को वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और शुमाल और जुनूब, तो वर्ड एम्बेडिंग में ये होता है कि वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो वर्ड्स के वेक्टर्स बना देता है, और सिमिलर वर्ड्स के वेक्टर्स एक दूसरे के करीब होते हैं, जैसे शुमाल, जुनूब, मशरक, मगरब, चारों डायरेक्शंस के वेक्टर्स एक साथ हैं, शुमाली, जुनूबी, वस्ती, मशरकी, इसके एक साथ हैं। आप ये देखें अमरीका और अमरीका लेफ्ट पर, अगर आप देखें तो ये अमेरिका के ये दोनों स्पेलिंग्स हैं, अल्टरनेट स्पेलिंग,
ये दोनों की दोनों स्पेलिंग्स आपके पास एक साथ मिलेंगी। इसी तरह से हिंद, भारत और हिंदुस्तान, तीनों आपको एक साथ मिल रहे हैं, तो सिनोनिम्स एक साथ मिल रहे हैं। तो किसी को हाथ से ही बताना नहीं पड़ा कि ये चार डायरेक्शंस होती हैं। अमेरिका और अमेरिका, ये नॉर्मलाइजेशन लिस्ट बनानी पड़ती थी, वो बनाने की जरूरत नहीं है, उसने दोनों को खुद एक साथ कर दिया। तो इनकी मदद से वर्डनेट, वर्बनेट और इस तरह के लेक्सिकल रिसोर्सेस बनाने आसान हो जाते हैं। क्या आप उसका वर्ड टू वैक मॉडल या कोई वर्ड एम्बेडिंग मॉडल बना लें और वहां से लर्न करना शुरू कर दें कि सूरज के सिनोनिम क्या है। किसी को बैठ के सोचना पड़ता, थिसोरस देखने पड़ते, डिक्शनरीज देखनी पड़ती, उसके बजाय वो बस इस लाइब्रेरी को यूज करे और देख ले कि सूरज के सिनोनिम के रिलेटेड वर्ड्स क्या हैं, उसमें से सिनोनिम क्या है या नहीं है ये देख ले। अच्छा, कंप्यूटेशन में मसला यही है कि ये रिलेटेड वर्ड्स तो ला देता है, लेकिन कौन से अपोजिट है, कौन से सिमिलर मीनिंग है, कौन से पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है, कौन से किन चीजों में काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, ये चीजें ये डिटेक्ट नहीं करता। ये जो भी रिलेशन है उन सबको लाके एक साथ रख देता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि आपके पास जो वर्ड एम्बेडिंग मॉडल्स मौजूद हैं उसमें से एंटोनियम्स अलग कर लें, अपोजिट्स अलग कर लें, जिनमें पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है उनको अलग कर दें, एंड सो ऑन। इस तरह के काम करना ये कंप्यूटेशन का ही बहुत बड़ा चैलेंज है। लिंग्विस्ट तो फिर भी यह है कि वो यहाँ से आइडिया ले लें, जो एंटोनियम्स हैं उसे एंटोनियम की लिस्ट में रख दिया, जो सिनोनियम है उसे सिनोनियम की लिस्ट में रख दिया, तो उनको शॉर्ट लिस्टिंग तो कम अज कम हो गई उनके लिए। लास्ट चीज जो हमें देखनी चाहिए लिंग्विस्टिक एनालिसिस में होती है वो डिस्कोर्स एनालिसिस है, क्योंकि असल टेक्स्ट हमारे पास इस तरह से आता है, ही रोट डेट लास्ट ईयर। अब कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन सिस्टम बनाना चाहते हैं तो हमें ये भी चाहिए कि ही कौन है। अगर हम डेटा को विकिपीडिया पढ़ रहे हैं और उसके बेस पे अपना डेटाबेस बना रहे हैं कि किसने क्या काम किया और हम ये लिखें कि ही वॉज बॉर्न इन 1968, तो ही कौन था, तो हु इज ही, ये हमें पता होना चाहिए। डेट ये पता होना चाहिए, ही वॉज बॉर्न द प्रीवियस ईयर या ही केम द प्रीवियस ईयर्स, तो हमें प्रीवियस ईयर कौन सा था, लास्ट ईयर कौन सा था, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन गेट करना डिस्कोर्स एनालिसिस या एनाफोरा एनालिसिस कहलाती है। तो ये इंफॉर्मेशन किस तरह से गेट करनी है, इसके लिए भी कुछ रूल बेस्ड सिस्टम्स बनते थे। वो हैं कि पिछले वाले के नाउन ही प्रोनाउन का पिछले वाले के सब्जेक्ट के साथ लिंक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और पिछले वाले के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट होने के साथ लिंक होने के चांसेस कम होते हैं। इस तरह के कुछ रूल्स बेस्ड सिस्टम होते हैं, कुछ मशीन लर्निंग सिस्टम होते हैं कि आप चीजों को मॉड एनोटेट करके दे लें कि ये ही जो है ना पीछे वाले इस वर्ड के साथ अटैच था और डेट जो है वो इस वर्ड के साथ अटैच था, और सिस्टम ने खुद लर्न कर लिया आइंदा उसे ही मिलेगा, तो वो पीछे या आगे के किसी वर्ड के साथ उसे ऑटोमेटिकली अटैच कर देगा। फिर हमारी लैंग्वेजेस के लिए जो एक बहुत बड़ा मसला है, वो कमरे में आया, कुर्सी ढूंढी और बैठ गया, बड़ा नॉर्मल सेंटेंस हमें लग रहा है। प्रॉब्लम यह है कि वो कमरे में आया, उसने कुर्सी ढूंढी क्योंकि सब्जेक्ट उसने है और वो उस कुर्सी पर बैठ गया, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिसिंग होते हैं। हम बहुत सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन पिछले वाले सेंटेंस में हमने दे दी होती है उसे अगले सेंटेंस में नहीं दोहराते। तो जो भी पार्सल बनेगा, और पार्सल्स नॉर्मली बनते हैं न्यूज़पेपर डेटा पे, तो न्यूज़पेपर में फिर भी इस तरह का मसला नहीं होता, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ होता है, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं। तो उसमें कुर्सी ढूंढी में सब्जेक्ट तो है ही नहीं, उसे नल सब्जेक्ट बनाना है। बैठ गया में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों नहीं है। ऑब्जेक्ट अभी मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, आगे जाके हम डिस्कस कर सकते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहें या नॉन कैनोनिकल सेकेंड आर्गुमेंट कहें, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों या सब्जेक्ट मौजूद है और ऑब्लिक मौजूद है नहीं है, तो उसे डिटेक्ट करना है कि इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए था वो नहीं है। और फिर उसी तरीके से कि इसको लिंक कर दे पीछे जाकर कि वो की बात कर रहा है, या कामरान कमरे में आया तो ये कामरान की बात कर रहा है। तो ये एक तरह से ओवरव्यू है कि हमें क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए। इसमें चैलेंजेस है लिंग्विस्ट्स के लिए भी, रिप्रेजेंटेशन पे भी, और चैलेंज है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी। कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए चैलेंज ये है कि कम डाटा से वो किस तरह से अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं।
अगर आपको डोमेन नॉलेज हो तो आप फीचर्स अच्छे बना सकते हैं कंप्यूटर साइंस मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। अगर किसी के पास डोमेन नॉलेज नहीं है तो उसके फीचर्स अच्छे नहीं होंगे और उसका मशीन लर्निंग सिस्टम अच्छा नहीं होगा। तो नॉर्मली जो कंप्यूटर विजन पे काम कर रहे होते हैं वो विजन पे ही अच्छा काम इसलिए करते हैं कि उन्हें उसके फीचर्स बनाने आते हैं। जो टाइम सीरीज एनालिसिस पे काम कर रहे होते हैं तो उन्हें उन्हें उसके फीचर्स बनाने आते हैं इसलिए वो उस पे अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर साइंस वालों को के लिए ये चैलेंज है। कंप्यूटर साइंस वालों को लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन पता भी होनी चाहिए, यानी जिससे वो एनोटेट करवा रहे हैं क्या वो एनोटेशन अच्छी क्वालिटी की आ भी रही है नहीं, उन्होंने पूरा सिस्टम अच्छा बना लिया बाद में पता ये चला कि नहीं वो तो क्वालिटी ही अच्छी है, तो उन्हें थ्योरी भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए और लिंग्विस्ट को भी अपनी थ्योरी पता होनी चाहिए ताकि वो सही एनोटेशन के लिए अच्छे स्टैंडर्ड्स बना सकें। नंबर एक सॉरी म्यूट। और दूसरा एक और चीज लास्ट मैसेज के कंप्यूटर्स लिंग्विस्ट को प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द लिंग्विस्ट छोटी मोटी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पाइथन में प्रोग्रामिंग बड़े आराम से हो सकती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में भी, अब ये ट्रेंड शुरू हो चुका है पाकिस्तान में, ये कहूँगा कि 4-5 लोग या 10-12 लोग होंगे, इंटरनेशनली तो लोग प्रोग्रामिंग कर आराम से करते हैं, वो वेब सर्वर डेवलप कर लेते हैं। अभी लास्ट टाइम डॉक्टर मरियम भट्ट से मेरी डिस्कशन हो रही थी CLT 20 में, तो वो कह रही थी कि लास्ट टाइम उन्होंने लिंग्विस्ट को डीप लर्निंग का कोर्स पढ़ाया। हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस में डीप लर्निंग का कोर्स मुश्किल से ऑफर होता है, उन्होंने लिंग्विस्ट्स को बताया कि ये आइडिया होना चाहिए कि आपको कि लिंग्विस्टिक्स इस तरह से भी की जा सकती है। तो डीप लर्निंग, अगर मैं लिंग्विस्ट को समझाना चाहूँ कि पहले आपको प्रोग्रामिंग सीखनी होती है, फिर आपको मशीन लर्निंग सीखनी होती है, फिर आपको आके डीप लर्निंग सीखनी होती है, यानी वो थर्ड स्टेज होता है, तो वो थर्ड स्टेज वाली चीज भी ऑफर हुई है। और तो प्रोग्रामिंग इतनी मुश्किल नहीं होती, कल मेरी कोशिश होगी कि सिंपल प्रोग्रामिंग सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती, उन्हें एक आइडिया दे दिया जाए कि आप अगर प्रोग्रामिंग छोटी मोटी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये बात खत्म हो गई। आप क्वेश्चंस अनम्यूट कर दिया मैंने और आप लोगों की जी बिल्कुल जी सर। सर मैं एक्चुअली एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में मैं ट्राई भी कर रहा हूँ, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पे काम किया है थोड़ा बहुत, जिसमें कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स पे भी काम किया, लेकिन मुझे अभी अपनी सिंधी लैंग्वेज पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ। एक्चुअली वो एल्गोरिदम्स को अंडरस्टैंड करना प्रोग्रामिंग के हवाले से, पाइथन मुझे डिफिकल्ट नहीं लग रही लेकिन एल्गोरिदम्स समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए कोई पॉसिबल सोल्यूशन या कोई पाथवे ऐसा होना चाहिए जिससे हमें आसानी हो। एल्गोरिथम्स किस लेवल? अच्छा, आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है या? सर एक्चुअली मैं लिंग्विस्टिक्स से हूँ, तो मैंने काफी रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ने की कोशिश की है, तो जिसमें एल्गोरिथम्स मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने में। और अभी मैं एक फ्रीलांस लिंग्विस्ट तौर पे भी काम कर रहा हूँ डेटा को एनोटेट करने के लिए, आई थिंक वो गूगल असिस्टेंट के लिए डेटा एनोटेट करवा रहे हैं यूएस से कुछ, या कोई इस तरह वॉइस टाइपिंग के लिए, तो सिंधी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। इंडिया से भी हैं कुछ स्टूडेंट्स, कुछ फ्रीलांसर्स, और मैं पाकिस्तान से मैं सिंधी पे काम करवा रहा हूँ, उनको डेटा एनोटेट कर रहे हैं, टेक रूल सेट फीचर सेट कर रहे हैं सिंधी के लिए। सही, तो इसमें जैसे मैं आपसे वो मैंने पहले कहा था कि CLT 20 में मैंने जो प्रेजेंटेशन दी थी या पाई कॉन्फ्रेंस में जो मैंने प्रेजेंटेशन दी थी वो, और उसकी नोटबुक पाइथन नोटबुक के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद यदि लाइब्रेरीज किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, फिर स्पेसिफिक बात हो तो एक दफ़ा हम मिल के ये डिस्कस कर सकते हैं कि किस जगह पर। इसमें तो ये है ना कि आपने एक प्रॉब्लम रेज कर ली, हम इसका कोई डिस्कशन ग्रुप्स भी बना लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि आप इन चीज़ों पर है तो एक सेशन, जिस तरह से अभी मैंने कहा था कि वेडनेसडे को ये किसी दिन हम ये तय कर लें कि प्रोग्रामिंग पे एक सेशन अलग से रख लेते हैं, कि जो लोग प्रोग्रामिंग पे काम पे डिस्कशन करना चाहते हैं प्रॉब्लम सर उस वक्त आके बैठ जाए। तो जूम ने एक तो आसानी कर दी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़, पहले हम सोचते रहते हैं कि फलां जगह जाके मिलेंगे,
या एक और कॉन्फ्रेंस करवाएंगे जिसपे ये बात होगी। अब आप एक जूम इवेंट बनाएं और मुझे इनविटेशन भेजें, सबको इनविटेशन भेजें, जो जो होगा वो ज्वाइन कर लेगा, हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच टैगर बनाते किस तरह से। नेम एंटिटी वाला मैं आपको शेयर कर रहा हूं। हेलो सर, डॉक्टर मदन बात कर रहा हूं। जी सब ठीक है। अच्छा सर, ये बहुत अच्छा सेशन काम कर रहा हूँ, वो फाइनल स्टेज पर रिलीज हो जाएगा। मुझे ये जो जैसे भी क्वेश्चन भी आया आपके पास के वो उनको एल्गोरिथम में कोई सिंधी पे काम करके एल्गोरिथम वो आ रहा है, तो हम कोई ऐसी टीम क्यों ना बनाएं के, क्योंकि अब जब वो भी सिंधी पे काम कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, डॉक्टर मुती रहमान भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मगर हम आइसोलेट हैं। जैसे मैं डिपेंडेंसी पे काम कर रहा हूँ, यूनिवर्सल डिपेंडेंसी पे, और मैं बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मगर अगर हमारी टीम हो तो हम एक दूसरे से हेल्प लेके कामों में जल्दी में कर सकते हैं। हाँ, तो आइडिया तो यही है, और इस पे फिर हम ये कर सकते हैं कि गिटहब की जो प्राइवेट रिपोजिटरीज होती हैं या इस तरह के और जो शेयरिंग ऑप्शंस हैं, हम ये डिस्कस कर लें कि हम ये काम कर रहे हैं और ये हमारी प्राइवेट रिपोजिटरी है, और इस पे जिस जिसको काम करने आना है वो एक तीन लोगों का पांच लोगों का अलहदा से ग्रुप बन जाए जो मिल के 6 महीने तक इस पे ही काम करता रहे। तो जो एक हो सकता है कि हम GitHub पे प्राइवेट रिपोजिटरी एक बना लें और फिर सब मिलकर उसे अपडेट करते रहें जिस तरह से होता है। हमारे साथ अभी मसला यही है कि एक इंडिविजुअल काम होता है और वो शख्स करता है और वो चीज़ उसके हार्ड डिस्क पे ही रखी रह जाती है ज़िंदगी भर, जब तक वो हार्ड डिस्क करप्ट नहीं हो जाती। अभी मैंने पिछले 2-3 महीने पहले मेरे हार्ड डिस्क पे जो कुछ भी पड़ा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसे गिटहब पे डालता जाऊं। तो हम कोलैबोरेशन मेथड्स तो मौजूद हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप्स बनाए और पहले यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज के लिए स्पेशली के पहले तो तय कर लें। जो मैं देख रहा हूँ मेरे हिसाब से तो उर्दू की जो डिपेंडेंसीज हैं, बल्कि उर्दू से ज़्यादा जो लिंग्विस्ट हिंदी के बैठे हुए हैं और हिंदी की जो लिंग्विस्ट डिपेंडेंसीज बनी हुई हैं उसमें भी अच्छी खासी प्रॉब्लम है। तो पहले तो हम इन लैंग्वेजेस के लिए ये देख लें कि हम करना क्या चाहते हैं, क्योंकि कभी मेरा पेपर आया तो मैं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स अभी हिंदी वाले में मौजूद है, उर्दू वाले में मौजूद है। तो लेकिन देख कर एक जी डिस्कशन ग्रुप मेलिंग लिस्ट बना देता हूं, तो जिसको जो चीजें पोस्ट करनी है कि इस पे किस किस को काम करना है वो एक अलग ग्रुप बन जाए एंड सो ऑन। और ये इंशाल्लाह सर विल डू इट। और सिंधी के लिए, क्योंकि सिंधी का या पश्तो का हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है और न्यूज़पेपर टेक्स्ट मौजूद है, तो इसके लिए डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स बनाने बहुत मौजूद हैं। और इस दफा हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसान भी हो गई है, पहले हमें पार्सल्स भी बनाने पड़ते थे, अब कम से कम पार्सल्स बने बनाए मिल रहे हैं, हमें सिर्फ डाटा को एनोटेट करना होता है और उसे थोड़ा सा ट्यून वगैरह प्री प्रोसेसिंग वगैरह करनी होती है और सिस्टम बन जाते हैं। तो नए दौर में ये अच्छी बात है कि पार्सल्स हमें हर चीज़ के आधा काम किया हुआ मिलता है, हमें सिर्फ अपने डाटा को बनाना होता है या फीचर इंजीनियरिंग करनी होती है। हाँ जी, तो सर एक और क्वेश्चन था मुझे अभी POS टैगर्स में, तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि हम वर्ड्स पे काम कर रहे हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर जाते हैं,
लेकिन अभी सिंधी डेटा पे काम करते हुए या उसके ट्रांसक्राइबिंग रूल्स को सेट करते हुए मुझे एक प्रॉब्लम फेस हुई। हूँ तो मैं सिंधी नेटिव स्पीकर, लेकिन उसके बावजूद सिंधी ग्रामर वगैरह स्कूल में जिस तरह की हमें लेवल पे पढ़ाई गई या इग्नोरेंस लेवल थी हमारी, हमने अंडरस्टैंडिंग नहीं की। बाद में अभी मैंने मिर्जा कलीश बेग की बुक्स और दूसरी उर्दू की, सिंधी की, एशियन लैंग्वेजेस की, अरबी की भी मैंने चेक की, ग्रामर में एब्रीवेशंस में प्रॉब्लम आ रही थी हमें आइडेंटिफाई करते हुए, क्योंकि इंग्लिश में दो टाइप के सिंपल नॉर्मल एब्रीवेशंस भी हमारे पास हैं, लेकिन टेक्स्टिंग एब्रीवेशंस भी हैं। अभी हम सिंधी में या सिंधी या उर्दू के अंदर टेक्स्टिंग एब्रीवेशंस तो हमारे पास नहीं होते और हम यूज भी नहीं करते इतने, लेकिन हम क्या करते हैं कभी कभार जो है ना इंग्लिश के या किसी और लैंग्वेज के एब्रीवेशंस को यूज कर लेते हैं, जिस तरह के किलोमीटर के हैं। तो कहीं कहीं पर सिंधी के टेक्स्ट में वेब पे मुझे काफ और मीम का एब्रीवेटेड वर्जन नजर आ गया। अब हम क्या इस तरह से आइडेंटिफाई डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उस लैंग्वेज के ओरिजिनल जेन्युइन एब्रीवेशंस कौन से हैं और बोरोड एब्रीवेशंस कौन से हैं? नॉर्मली पार्ट ऑफ स्पीच टैगर ये नहीं कर रहा होता। पार्ट ऑफ स्पीच टैगर ये जो स्क्रीन पे मैंने अभी सामने रखे हुए है ना, वो ये कहता है कि इतनी ही चीजें करें। क्यों? खासतौर पर अगर आप हाथ से लिख रहे हैं ना तो बात बड़ी आसान है। मशीन लर्निंग में आपको जितनी ये क्लासेस का मतलब जितनी ये टाइप्स होंगी, जितने पार्ट ऑफ स्पीच ज्यादा होते जाएंगे, मशीन लर्निंग के लिए उसे सिस्टम बनाना उतना मुश्किल होता जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वो सिस्टम उतना मुश्किल होता जाएगा। तो इस वक्त दुनिया कह रही है कि 12-15 ये जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ये वाले पार्ट ऑफ स्पीच आपके पास मौजूद हों। इसके बाद फिर ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो आए थे ना अगले वाले पे, इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की मदद से अगर आप चाहें तो बोरोड और अनबोरोड में फर्क करना चाहते हैं तो वो फीचर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। तो मेन दुनिया की 50 जबानों ने काम वाले बैठे थे, उन्होंने मिलके देखा कि ये पार्ट ऑफ स्पीच काफी होते हैं। उसके बाद जो फाइनल प्रॉब्लम्स हैं उसको डील करने के लिए, कि फॉर एग्जांपल किलोमीटर के लिए KM हो या जो भी हो, वो सिंबल SYM सिंबल डील होगा। फिर आप उसके साथ फॉरन और कोई फीचर रखना चाहते हैं तो ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की फॉर्म है। तो ये भी हमें सीखना है कि अगर कंप्यूटेशन करनी है और कंप्यूटेशन दुनिया भर के साथ साथ से मिलके कंप्यूटेशन करनी है जिस तरह से दूसरे भी कर रहे हैं, तो हमें चीज़ों को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। इस वक्त दो डिफरेंट लेयर्स पे रिप्रेजेंटेशन गई है कि पार्ट ऑफ स्पीच एक लेयर पे रखें और वो जो दूसरी वाली मॉर्फोलॉजिकल और लेक्सिकल, इवन इसे मॉर्फोसिंटैक्टिकल सेमेंटिकल इंफॉर्मेशन है, वो दूसरी जगह पे ले जाए। तो ये भी, तो मेरा सजेशन तो यही होगा कि हम आप उसे ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो सीप साहब, मैंने दो क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं चैट विंडो पे। चैट विंडो पे सही। मैं आजकल गूगल मीट ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए इसके कंट्रोल्स भूल गया हूँ, जबकि जाती तौर पे मुझे जूम ज्यादा पसंद है। अच्छा जी, देखो नहीं दिख रहा, क्लिक ऑन पार्टिसिपेंट, एक सेकंड। अच्छा, जब तक कोई और क्वेश्चन अगर पूछना है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं, आपके ख्याल में इसमें इस थीम में, क्योंकि मैंने कहा कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स जिसमें टेक्स्ट माइनिंग भी एक हद तक आ जाती है, वो एक अलग थीम है, और NLP का डेप्थ जो है, NLP एल्गोरिथम सब कह लें, वो एक पूरी एक अलग फील्ड है। तो ये तो दो अलग अलग चीजें तो हो ही गई। उसके अलावा जो ये मौजूदा थीम है लिंग्विस्टिक एनालिसिस यूजिंग कंप्यूटेशन कह लें, इसमें आप लोगों की कोई और सजेशन है? अभी जब तक मैं ये वाला क्वेश्चन पढ़ लूँ, हाउ गुड आर वी विद वर्ड सेंटेंस सेगमेंटेशन, व्हाट रिसोर्सेज आर डेवलप्ड, फॉर एग्जाम्पल वर्ड और मे बी मे और मे नॉट हैव स्पेस, ठीक है, डू वी हैव एनी ओपन डेटा अवेलेबल फॉर मल्टी डोमेन?
अच्छा जी, दो क्वेश्चंस हैं और ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड ज्यादा है, लेकिन इसमें से पहला वाला पार्ट तो हमें भी फोकस करना पड़ेगा। तो एक बात तो ये कि ये जो कुछ मैंने लिखा, पहले मैंने टोकन लिखा था और उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच टैग एक वाली स्लाइड में और फिर मॉर्फोलॉजी, लेकिन जब मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया तो मॉर्फोलॉजी से डायरेक्ट कर दिया, टोकनाइजेशन पे बात नहीं की। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। टोकन्स आपके पास वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसे वर्ड्स में डिवाइड करना खुद एक काम है। इस्लामाबाद एक वर्ड है या दो वर्ड्स हैं, अब आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि इस्लाम स्पेस आबाद है तो इस्लाम अलग चला जाएगा और आबाद अलग चला जाएगा, या इस्लामाबाद एक सिंगल टोकन और सिंगल वर्ड के तौर पर ट्रीट होगा। ये एक क्वेश्चन रेज होता है कि इसे किस तरह से डील करेंगे। बहुत सारी गलतियां होती हैं, इस्लामाबाद से दाल के बाद अगर जो से बड़ी ये लिखेगा तो उसे स्पेस डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बात और स्पेस से के दरमियान में अगर स्पेस नहीं भी किसी ने लिखा तो वो बिल्कुल सही पढ़ा जाएगा। परिंदे उड़ रहे थे, हाँ ये है ना, परिंदे उड़ रहे थे, अगर आप लिखें तो इस पूरे में चार वर्ड्स को आप बिगर स्पेस के लिख सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता क्योंकि कंप्यूटर नॉर्मली उसे स्पेस पे तोड़ रहा होता है। तो इसके लिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स चाहिए। एक थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा ये भी, लेकिन सेगमेंटेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस पे कुछ सॉल्यूशंस अच्छे सॉल्यूशंस अभी अवेलेबल नहीं है। एक नादिर दुरानी का फास्ट का पीएचडी थीसिस था, उसके बाद मैंने और वही उसी के बेस पे कल्प वालों का और बाद में सीएलई वालों का सिस्टम बना हुआ है। एक हमने कोशिश की है लेकिन वो भी अभी भी अनपब्लिश्ड है कि डीप लर्निंग के थ्रू माजू में एक स्टूडेंट ने वो उसे पब्लिश करवाना है कि डीप लर्निंग के थ्रू वो कर ले सेगमेंटेशन के, अगर गलत सेगमेंटेशन भी हो, यानी परिंदे उड़ के दरमियान में अगर किसी ने स्पेस नहीं भी डाला तो वो स्पेस डाल दे, और अगर किसी ने ज़्यादा स्पेस डाल दिया है तो उस स्पेस को ओमिट कर दे। तो ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि जो टेक्स्ट को जब प्रोसेस करते हैं ये एनएलपी साइट पर है, लेकिन अगर बैठना हो कभी इस पर बैठ के बात करनी हो कि एक सिस्टम बनाना है, कोई स्टूडेंट काम करना चाहता है या वैसे करना चाहते हैं, तो ये रिस्क है। क्योंकि जब भी हम असल डाटा को इनपुट देते हैं, अब हमने कहा परिंदे उड़ रहे हैं को पार्सर को दिया, पार्ट ऑफ स्पीच टैगर को दिया कि इसे पार्ट ऑफ स्पीच टैग कर दो, उसने तो कह दिया कि ये नाउन है, एक सिंगल ही वर्ड है। हम परिंदे को अलग करें, इस परिंदे के बाद स्पेस डाला, उड़ के बाद स्पेस डाला, रहे के बाद स्पेस डाला, एंड सो ऑन। तो इस पे अच्छा काम मुझे नहीं मिला, और ये करना अभी भी मेरे ख्याल में करना चाहिए। तो एक सवाल तो आपका ये था सेगमेंटेशन, कि एक लाइब्रेरी है जो मुनासिब काम करती है, लेकिन सीएलई वाली जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, डेमो अवेलेबल है, और फिर वो फुल चाहिए तो उनसे कॉन्टेक्ट करें। और दूसरा क्या था, डू वी हैव एन ओपन डेटा अवेलेबल फॉर मल्टी डोमेन। दूसरा जो मैं बार बार, मेरे ख्याल में तो अवेलेबल नहीं है, और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस फीचर का हमें बहुत सारा ओपन डेटा चाहिए, क्योंकि डेटा तो इवन पार्ट ऑफ स्पीच टैगर्स के भी ओपन अवेलेबल नहीं है। मल्टी डोमेन का मेरे ख्याल में तो अवेलेबल नहीं है। लास्ट टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज के डॉक्टर खुर्रम से मेरी मुलाकात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि वो सेम अवेल के 7-8 टास्क के लिए उर्दू का डेटा बना रहे हैं। मुझे याद नहीं रहा कि उसमें उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें, जिसमें NER का तो उनका पेपर भी आ गया है, तो हो सकता है उनके पास हो, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि सेम अवेल के जितने भी टास्क हैं उन सब के लिए वो डेटा बनाएंगे। कुछ का नेम एंटिटी का तो उन्होंने रिलीज भी कर दिया है, कुछ का उनका कहना था कि रिलीज कर देंगे लेकिन अब तक, लेकिन वो डिले हो गए हैं। तो अगर आपको पता करना है तो उनसे पूछ लें, पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जो डॉक्टर खुर्रम है, कामरान मलिक भी वहीं होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, पर बात करें जी। सर आपने पहले तो मुझे शुक्रिया, आपका कहना है कि बहुत अच्छा सेशन है, बहुत अच्छा आइडिया है सबको, लिंग्विस्ट को, कंप्यूटर साइंटिस्ट को एक फोरम पे जमा करने का। सर जो सेकंड लास्ट टॉपिक आपने अभी मेंशन किया अपनी प्रेजेंटेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन सेमेंटिक्स, ठीक है,
इसमें आपने वेक्टर्स की बात की है. मैं भी सर कुछ ऐसा ही पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने एक वर्ड स्पेस मॉडल बनाया है जिसमें उन्होंने कॉन्टेक्स्ट वेक्टर्स या उन्होंने वर्ड मैट्रिक्स यूज किए हैं इनलाइन अक्रंस को देखने के लिए, यानी कि एक सेंटेंस में एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ किस तरह आ रहा है, क्या पैटर्न है उसका, और उसका ऑफलाइन को अक्रंस, यानी कि अगर उस वर्ड के जो नेबर वर्ड है जिसको हम सिंसेट कहते हैं लिंग्विस्टिक टर्म में, वो क्या है, इन दोनों इंफॉर्मेशन को, यानी कि ऑफलाइन को अक्रंस को और इनलाइन को अक्रंस को उन्होंने यूज करते हुए एक वर्ड स्पेस मॉडल बनाया है, वेक्टर्स ड्रॉ की हैं जिसपे उन्होंने वो देख रहे हैं कि जो वर्ड जितना करीब होगा उसकी सिमेंटिक सिमिलैरिटी उतनी ज्यादा होगी. सर ये आइडिया तो अच्छा लगा है लेकिन अभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता चल सका कि हम अपनी लैंग्वेज में इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर उर्दू में कर सकते हैं तो क्या कोई फ्री उर्दू का कॉर्पस मौजूद है? CLE के पास जो उर्दू डाइजेस्ट का कॉर्पस है वो उसकी कुछ प्रोसेसिंग फी है, अगर फॉर इंस्टेंस वो भी खरीद लिया जाए तो क्या हमारे पास कॉर्पस लिंग्विस्टिक के वो टूल मौजूद हैं कि जो हमें इन लाइन, यानी जिसको हम सिंटैग्मैटिक रिलेशन कहते हैं या कह लें कि जिसे KWIC भी कहेंगे कि कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, वो हमें निकाल के दे सके. सर इसमें ये काफी मुझे इसमें कंफ्यूजन थी क्योंकि मैं इस पर अभी पढ़ रही थी कि हम क्या उर्दू के लिए कोई ऐसा वर्ड स्पेस मॉडल बना सकते हैं, क्या इसकी जरूरत है? नहीं, उर्दू के लिए बना सकते हैं और बल्कि बना हुआ है, कई लोगों ने बनाया है. CLT में मेरी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें मैंने वो उसकी नोटबुक शेयर भी की थी कैगल पर. ये मैं लिंक्स जो मैंने पिछली मेल में भेजा है ना उस लिंक पे ये और ये सारी चीज़ें रख दूंगा. कैगल पे मैंने उर्दू का, मेरे पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस मौजूद है, यानी तो उस पे उसको प्रोसेस करके कैगल पे मैंने वर्ड टू वर्ड का मॉडल रखा हुआ है, तो उसे डाउनलोड करके कोई बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकता है. कॉर्पस शेयरिंग, तो अगर आपके पास कोई कॉर्पस मौजूद है जो आपने कहीं से डाउनलोड किया है या कहीं से खरीदा या कहीं और से मिला है, तो वो आप उसकी मदद से मेरे ख्याल में 10-15 मिनट में एक वो कैगल पे भी वो मैंने शेयर की हुई नोटबुक, वो CLT में भी शेयर की थी मैंने, तो वो और वो मैंने क्या शेयर की है, मैंने तो उर्दू के हिसाब से एक दो के सेंटेंस पर किस तरह से डिवाइड करेंगे वही मेरी इनोवेशन है उसमें, वरना तो वो आप गूगल पे सर्च करें तो आपको वो 6 लाइनें हर जगह पे ही मिल जाएंगी. तो वो चीज़ें अगर आपके पास कॉर्पस मौजूद है तो मॉडल बनाना 15 मिनट का काम है. ऐसा मैसेज ये है, तो कॉर्पस जमा करना आपका काम है, कॉर्पस जमा हो जाए तो वो 15 मिनट में वो मॉडल्स बन जाएंगे. लेकिन सर आप ये कह रहे हैं कि उर्दू में वर्ड स्पेस मॉडल बना हुआ है और कॉर्पस भी दोबारा कोई स्पेसिफिक रीजन हो सकता है कि कोई डिफरेंट जॉनरा का कॉर्पस बने, अदरवाइज हमारे पास एक जनरल सा एक डाइजेस्ट का जिसमें मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स कवर होते हैं, कॉर्पस मौजूद तो है CLE की वेबसाइट पर. कॉर्पस बनाने की जरूरत तो क्या है ये भी मुझे नहीं समझ आ रही, और अगर जो आप कह रहे हैं कि उर्दू में वर्ड स्पेस मॉडल मौजूद है क्या आप वो शेयर कर सकते हैं वो, और उसके अंदर कोई है? जी हाँ शेयर कर सकता हूँ, बल्कि कैगल एक ऑनलाइन रिपोजिटरी है, अब तो उसे गूगल ने खरीद लिया, जहाँ पे लोगों के पास जो भी डाटा सेट मौजूद होता है वो अपना अगर वो शेयर करना चाहते हैं तो वो रख देते हैं. तो कैगल पे मैंने उर्दू का बल्कि शायद सिंधी का भी रखा हुआ है, अगर सिंधी का नहीं रखा तो मैं रख दूंगा. उर्दू और सिंधी का वर्ड स्पेस मॉडल मैंने कैगल का वहाँ पे रखा हुआ है, तो वहां से डाउनलोड किया जा सकता है. और नोटबुक्स अवेलेबल हैं ऐसी, यानी 8-10 लाइन कोड की अवेलेबल हैं, तो अगर आपके पास कोई मुख्तलिफ जॉनरा के लिए या मुख्तलिफ लैंग्वेज के लिए बड़ा सा कॉर्पस मौजूद है तो आप बस वो फाइलें उसे दें, वो 15 मिनट में आपको वो वेक्टर स्पेस मॉडल बना के दे देगा. वो मैं शेयर कर लूंगा, ये अगली मैं एक आध दिन में एक ईमेल करूंगा जिसमें ये जिन रिसोर्सेज की बात हो रही है उन सबके नाम मैं शेयर कर दूंगा. मेरा आइडिया वैसे ये था लेकिन मैं पहले से भी शेयर कर लेते हैं कि जब जिसकी बात होगी तो उसके साथ साथ वो रिसोर्सेज शेयर होते जाएंगे, लेकिन उसके पहले भी जो जो चीज़ मेरे जहन में आती जाती है मैं शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर किसी को हेड स्टार्ट चाहिए तो वो हेड स्टार्ट कर ले. थैंक यू वेरी मच सर. तो जी 4:32 हो गए.
तो मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं मॉर्फोलॉजी पर. मॉर्फोलॉजी पर मैं ऑफलाइन एक दो लोगों से कांटेक्ट करता हूं कि ये चीज़ें डिस्कस करनी है, तो कौन इसमें से क्या चीज़ डिस्कस कर सकता है. मॉर्फोलॉजी इसलिए कि मॉर्फोलॉजी एक तरह से मीडियम डिफिकल्टी बहुत आसान नहीं है. पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग लिंग्विस्टिक एनालिसिस के लिए बहुत आसान है, मॉर्फोलॉजी लिंग्विस्टिक एनालिसिस के लिए उसके मुकाबले में मीडियम चीज़ है. डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स उसके मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल है, एक मीडियम चीज़ है. और नेक्स्ट वीक के बाद अगले वीकेंड पे फिर ईद होगी, तो अगर उस पर मॉर्फोलॉजी पे किसी को मजीद काम करना हो तो एक वीक और एक्स्ट्रा मौजूद होगा. मॉर्फोलॉजी हम 2 घंटे में अच्छा खासी डिस्कस कर सकते हैं. दूसरी चीज, कल नॉन प्रोग्रामर्स के लिए एक है कि आप पाइथन पे प्रोग्रामिंग किस तरह से कर सकते हैं. आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप अगर आपके पास गूगल अकाउंट मौजूद है तो आप किस तरह से गूगल अकाउंट से वहीं पे आपको सिस्टम मिल जाएगा पाइथन का, जिसपे पाइथन का कोड लिखा जा सकता है. उस पर लाइब्रेरीज खुद ब खुद इंस्टॉल होंगी. कंप्यूटर पर अगर आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो आपको वो चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ती है, उसके ऊपर लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी होती है. लेकिन आप 5 मिनट के अंदर अंदर प्रोग्रामिंग किस तरह से शुरू कर सकते हैं.